बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। दोस्तों, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी और आज हम बात करेंगे किस्मत के पत्तों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सावन का सेकेंड लास्ट सैटरडे है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है, सावन के शनिवार का भी उस प्रकार से विशेष महत्व होता है, खासकर जो लोग शनि पीड़ा से गुजर रहे हैं, यानी कि साढ़े साथी हो, अढ़ैया हो, शनि के दोष चल रहे हों, शनि की कुदृष्टि हो, कहीं ना कहीं शनि से जुड़े हुए जितने भी उपाय हैं इस समय पर यदि आप पूरे करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। इससे जुड़ा हुआ एक ऐसा उपाय जो कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएगा, ये मैं आपको बताऊंगी शो के अंत में। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं राशियों का हाल, क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए और कैसा रहेगा आज का आपका दिन। चलिए बात कर लेते हैं पहली राशि, मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या लेकर आए हैं इनके लिए। मेष राशि वालों कार्ड आया है आपका द टावर। थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ड्राइविंग से जुड़े हुए मामलों में परेशानी आ सकती है, कहीं चोट लगने की संभावना है, मानसिक तनाव हो सकता है, कहीं कष्ट हो सकता है और पीड़ा हो सकती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर मन थोड़ा सा दुखी होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, दुख के बाद सुख आता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही खराब जाएगा, कहीं ना कहीं दिन में अच्छी चीज़ें भी होंगी। तो अगर थोड़ा सा कष्ट आ रहा है तो ये निश्चित है कि इसके बाद आपके जीवन में सुख या पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। तो ओवरऑल मैं कहूंगी आज का दिन आपका अच्छा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा और आपको ग्रोथ भी मिलेगी। बात कर लेते हैं अगली राशि की, क्या कह रहे हैं टॉरेंस के कार्ड्स। उदासी, अकेलापन आज के दिन आप महसूस करेंगे, जो कि थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कई चीज़ों को लेकर आप मायूस हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं और ये आपकी परेशानी का कारण बना रहेगा। कई चीज़ों को लेकर आपको तनाव हो सकता है, वो भी आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा। जैसा मैंने कहा, हताशा आज के दिन छोटी बातों में लेकर लगी रहेगी, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मेडिटेशन करें, योग करें, प्राणायाम करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों का कल का दिन कैसा जाएगा। बहुत बढ़िया जाएगा, शानदार जाएगा, किस्मत आपका साथ दे रही है, किसी महिला मित्र का भरपूर सहयोग मिलेगा, खासकर आर्थिक तौर पर यदि आप ग्रोथ चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए टाइम पीरियड बेहद खास रहेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ से जुड़े हुए कोई भी निर्णय लेने हैं वो भी आपके लिए बहुत आराम से आप ले पाएंगे। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो ऐसी महिला जो कि आपके करियर में आपको मदद कर सकती हैं, ऐसी महिला का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। टोटल मैं कहूँगी आज का दिन आपका शानदार जाएगा। बात कर लेते हैं अब अगली राशि, क्या कह रहे हैं कार्ड्स कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों कार्ड बहुत प्यारा आया है, पार्टनरशिप और लवर्स का कार्ड आया है। आज के दिन कोई भी रिलेशनशिप बड़ी खूबसूरत रहेगी। रिलेशनशिप कैसे खूबसूरत रहेगी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, आपके लाइफ पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर आप अभी तक मैरिड नहीं हैं तो कोई ऐसे व्यक्ति का आपको सहयोग मिलेगा जो कि भविष्य में आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। पार्टनरशिप से जुड़े हुए कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, काम, उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी। पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। टोटल मैं कहूँगी कई मामलों में आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, मन में एक अलग एनर्जी रहेगी। क्रिएटिविटी की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा है, कुछ भी क्रिएटिव काम करना चाहते हैं बेझिझक होकर करिए, क्योंकि वहाँ भी सफलता आपके कदम चूमेगी। बात कर लेते हैं अब अगली राशि, क्या कह रहे हैं कार्ड्स सिंह राशि वालों के बारे में। बहुत शानदार कार्ड आया है, किस्मत का पहिया घूम रहा है और बदलाव की परिस्थिति लेकर आ रहा है। ये बदलाव आपके करियर में हो सकता है, जीवन का एक अधूरा चैप्टर जिसे आप बंद करने की फिराक में थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप चैलेंजेस का सामना कर रहे थे और क्लोजर तक नहीं पहुँच रहे थे, क्लोजर तक पहुँचेगा, यानी कि अधूरे चैप्टर्स खत्म होंगे और जीवन के नए चैप्टर की शुरुआत होगी। नए चैप्टर की शुरुआत में कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो चैप्टर्स इस दिन से शुरू होंगे उसमें कहीं भी चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो नई शुरुआत आपकी कमाल की होगी। दिन आपका बहुत खास जाएगा और आपको बहुत सफलता कई मामलों में हासिल होगी। टोटल मैं कहूँगी आज का आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, किस्मत आपका साथ दे रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, डेफिनेटली आपके कई मामलों में सफलता नज़र आ रही है। बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के लिए। धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसा प्रपोजल जो कि आपके जीवन में फाइनेंस से जुड़ा हो, चाहे वो जॉब प्रपोजल हो, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई ऐसा आइडिया हो जिस पे अमल करना चाहते हैं आप, ये सारी चीज़ों का जिसका कि फाइनेंस से कहीं ना कहीं संबंध होगा, वैसे लाभ आज के दिन आपको मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपके कदम चूमेगी आज के दिन और बेहद शानदार, बेहद खास दिन जाता हुआ नज़र आ रहा है कन्या राशि वालों। टोटल मैं कहूँगी किस्मत आपका भी साथ दे रही है।
लिब्रंस के लिए, लिब्रंस बहुत सावधान रहना है, किसी से कल के दिन झगड़ा हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद हो सकता है, तनाव बहुत ज़्यादा होगा, कोई भी काम पूरा करने में आपको समय लगेगा और कहीं ना कहीं तनावपूर्ण परिस्थिति बनती हुई नज़र आ रही है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। तो टोटल मैं कहूँगी कई मामलों में आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो एक जिसे कहते हैं ना एक जकड़न महसूस करेंगे, शारीरिक चैलेंजेस, फिजिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज के दिन आपको हो सकती है, वहाँ भी आपको सावधान रहना तुला राशि वालों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी विवाद में उलझ सकते हैं और इस विवाद का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो आपको ये केयरफुल रहना है कि बेवजह के विवादों में ना उलझें, विवादों से बचकर चलें, क्योंकि हो सकता है कि कोई विवाद फिलहाल छोटा दिख रहा है लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। तो ये बेवजह की तनावपूर्ण सिचुएशन बनेगी, मशीनरी, इक्विपमेंट, गाड़ी को लेकर कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। बात करते हैं अब वृश्चिक राशि वालों का कल का दिन कैसा जाएगा। मिलजुल के आर्थिक सहयोग से काम पूरा होगा। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले नहीं कर सकते हैं, मशक्कत बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो आपको सहयोग भरपूर मिलेगा, टीम वर्क आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा और ये टीम वर्क को लेकर आप बहुत आराम से आगे बढ़ पाएंगे। ये सहयोग आपको कॉलीग से मिल सकता है, बैंकर्स, फाइनेंसर्स से मिल सकता है, अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो भी लोन आपका बहुत आसानी से चूकेगा। कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थिति आपकी बहुत शानदार रहेगी, किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं नज़र आ रही है। बात करते हैं अब अगली राशि धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों कंप्लीशन का कार्ड आया है, अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे, एक क्लोज चैप्टर आप मतलब जो है एक चैप्टर को आप क्लोजिंग तक ले जा पाएंगे, एक ऐसा अध्याय अपने जीवन का ख़त्म करेंगे। कुछ अधूरे रिश्तों को जिनको कोई नाम नहीं दे पा रहे थे या उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे निपटाना है, उन सबको एक मुकाम तक पहुंचा पाएंगे, अपने संबंधों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आज का दिन आपका भी बहुत अच्छा जाएगा और कई मामलों में श्रेष्ठ जाएगा। अब बात करते हैं अगली राशि क्या कह रहे हैं कार्ड्स मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों आज के दिन आप किसी बात को लेकर तनावपूर्ण परिस्थिति में रहेंगे, स्ट्रेस हो सकता है आपको, एंजाइटी हो सकती है आपको, बहुत ज़्यादा सोचें नहीं क्योंकि आपकी सोच आपको कहीं फ़ायदा नहीं दे रही है, आपकी सोच जो है कई बातों में नेगेटिव हो सकती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है, किसी बात को लेकर मायूस हो सकते हैं, खासकर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कोई भी बात दिल तक चुभ सकती है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, कोई बात ऐसी लग रही है जो समझ में नहीं आ रही है उसको आमने सामने बैठ के क्लैरिटी से क्लियर करें तो वो बेहतर रहेगा, किसी भी चीज़ की तह तक जाना आपके लिए ज़रूरी है, रूट कॉज आइडेंटिफाई करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेट करें, कोई किताब पढ़ें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अक्वेरियंस बहुत शानदार कार्ड आया है, पिता पिता तुल्य व्यक्ति का भरपूर सहयोग मिलेगा, यदि आप काम करते हैं, कार्यरत हैं तो बॉसेस, अधिकारी वर्ग का भरपूर सहयोग मिलेगा, यदि सरकारी कार्य से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता निश्चित रूप में हासिल होगी। टोटल मैं कहूँगी कई मामलों में आप सफल होंगे और आपके लिए इस समय बेहद शानदार मौका रहेगा कई चीज़ें, कई उपलब्धियाँ पाने के लिए। और टोटल मैं कहूँगी आज के दिन विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों आपका दिन बहुत खास रहेगा, बहुत लाभकारी रहेगा, खासकर मेल्स से आपको बहुत सहयोग प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि, जो करते बहुत ज़्यादा इंतज़ार, मेंटल क्लैरिटी बहुत मिलेगी, कोई बात मन से चुभ गई है तो उस बात को निकालने का, बाहर निकालने का, एक्सप्रेस करने का प्रयास करें और कई बातों को अगर हम आपस में शेयर कर लेते हैं, क्लैरिफाई करें तो अच्छा रहता है, क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी से कोई अनबन हो चुकी है उस मामले में क्लैरिटी लेकर आए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ आपको दो चीज़ें और समझनी है कि किसी चीज़ को मन में दबा के नहीं रखना है, दूसरा अगर कोई अच्छा आइडिया आ रहा है, कोई अच्छा ऐसा थॉट आ रहा है जिसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेझिझक होकर बढ़े, क्योंकि यही आइडिया जीवन में आपकी बदलाव की परिस्थिति लेकर आएगा। तो यदि आप जीवन के ऐसे मुकाम पे हैं कि एक सॉलिड आइडिया आपके जीवन को बदल सकता है तो प्लीज़ उसको समझें, उसको लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि बदलाव की परिस्थिति आपके जीवन में शीघ्र आने वाली है। तो दोस्तों ये तो था राशियों का हाल। जाते जाते आज के दिन का दिव्य उपाय, शनिवार का दिन है, आज के दिन आप शिवलिंग का अभिषेक जल में काली उड़द डाल कर करें, जिन लोग की अढ़ैया साढ़े साती शनि की महादशा चल रही है, और करते समय आप शम शनैश्चराय नमः मंत्र को 11 बार बोलें, ओम नहीं लगाएंगे, केवल शम शनैश्चराय नमः मंत्र बोलते हुए अर्घ्य देंगे या फिर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। अर्घ्य किस में देंगे? पीपल पेड़ के पेड़ की जड़ में, और शिवलिंग का अभिषेक करेंगे बाहर, घर के बाहर जो शिवलिंग हो, मंदिर में। ऐसी ही खास बातें लेकर आऊँगी मैं श्रुति द्विवेदी आपके लिए केवल आस्ट्रो तक पर। फिलहाल लेती हूँ आपसे विदा, नमस्कार, अपना खूब ख्याल रखें।